वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जॉन सिना के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही है इस बारे में, एंड रोमन रेंस का एक इमोशनल जो कि वीडियो देखने को मिला है, एंड इवन रोमन रेंस ने जो कि जिस दिन अपना टाइटल हारा उसको लेकर भी एक इमोशनल डेट और कुछ है, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप, सीएम पंक क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं रॉक के ऑफियर में, एंड बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस से रिलेटेड भी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और यह हमें देखने को मिल रहा है रसलमेनिया के काफ़ी बड़े हिस्ट्री प्लान्स को लेकर, मतलब हिस्ट्री देखने को मिला है इस साल के रसलमेनिया के अंदर। तो हिस्ट्री चेंज ये हुई है कि भाई इस साल का जो रसलमेनिया था, रसलमेनिया 40, ये एक पहला रसलमेनिया बन चुका है जिसमें सबसे ज्यादा टाइटल चेंजेस हुए हैं। यस, ये एक ऐसा पहला रसलमेनिया जिसमें सबसे ज्यादा टाइटल चेंज हुए हैं, और टाइटल चेंज के मामले में यहां पर 7 टाइटल चेंज हुए हैं इस रसलमेनिया में, और ये रसलमेनिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा रसलमेनिया है जहां पर सबसे ज्यादा टाइटल चेंजेस हुए। इवन सबसे बड़ा टाइटल चेंज की अगर बात करें तो वो डेफिनेटली द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का था। बाकी नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ चल लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्मैकडाउन के व्यूअरशिप को लेकर। तो पिछले हफ्ते का जो हमें स्मैकडाउन, मतलब वही पिछले हफ्ते का तो स्मैकडाउन जो देखने को मिला था उसकी जो व्यूअरशिप हमें देखने को मिली थी वो 2.6 मिलियन थी। 2.6 मिलियन व्यूअरशिप हमें देखने को मिली है 5 अप्रैल के स्मैकडाउन की, और उसके पहले के स्मैकडाउन की बात कर ले तो वहाँ पर 2.2 मिलियन व्यूअरशिप देखने को मिली है। बट इस हफ्ते हमें यहाँ पर थोड़ी व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2.6 मिलियन। इट्स बिग डील ब्रो, मतलब तुम समझ रहे हो 2.6 मिलियन। बाकी अगले अपडेट की तरफ चल लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अगले हफ्ते का जो हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा वहाँ पर हमें सैमी जेन वर्सेस चैड गेबल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब तुम देख सकते हो बढ़िया मैच है और खतरनाक रहेगा। एंड सेकंड मैच यहां पर जो ऑफिशियली अनाउंस है वो है अंड्राडे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का। तो अंड्राडे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो ये भी एक डिसेंट मैच हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर क्या कुछ करते हुए दिखाई देगी। सो अब बात कर लेते हैं भाई सीएम पंक का, हमें क्या कुछ देखने को मिला। सीएम पंक आज के मंडे नाइट रॉ के ऑफियर के अंदर क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए। वैसे रॉ खत्म होते होते यहां पर ड्रू मैकइंटायर भी जो कि चले ही गए थे, मुझे लगा भाई यहां पर ऑफियर में कुछ गुत्थम गुत्थी देखने को मिलेगी, ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक को बजाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। ड्रू मैकइंटायर शांति से कैसे चले गए मुझे ये हजम नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर जो सीएम पंक है वो ऑफ एयर के अंदर काफ़ी कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं फिलाडेल्फिया के क्राउड को, जहाँ पर उनका ये कहना था कि मैं शिकागो का हूँ लेकिन फिलाडेल्फिया ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने स्टार्टिंग भी रेसलिंग में जब 2005 में मैंने साइन किया था डब्ल्यूडी के साथ में, तो वहाँ से भी मैंने स्टार्ट भी डब्ल्यूडी के फिलाडेल्फिया से ही किया था जो कि एक छोटा क्राउड था। बट धीरे धीरे जो भी मेरे साथ बड़े मोमेंट्स देखने को मिले हैं वो फिलाडेल्फिया के अंदर ही देखने को मिले हैं। मैं भले से शिकागो का बेटा हूँ लेकिन फिलाडेल्फिया के लोगों ने मुझे अपने खुले हाथों से हमेशा मेरा स्वागत किया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीएम पंक का ऑफ एयर में जो कि कहना था फिलाडेल्फिया को, और कहें कि भाई फिलाडेल्फिया ने काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 2 लाख से ज़्यादा लोग हमें देखने को मिले जो कि बहुत ही बड़ा मोमेंट है, और सीएम पंक ने काफ़ी कुछ किया जो कि आप लोगों ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, मेरे नेम को चेंज किया हमेशा। तो काफ़ी कुछ ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि सीएम पंक की तरफ से। तो सीएम पंक सभी क्राउड को सबको थैंक यू कहते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें इमोशनल थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्पीच देखने को मिला सीएम पंक का, मतलब इमोशनल तो नहीं था बट ठीक ठाक था। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई साहब जो कि है WWE के रसलमेनिया वीकेंड के काफ़ी ज़्यादा टिकट सेलिंग को लेकर। ऑलरेडी भाई WWE ने ऑलरेडी आप लोग को TV स्क्रीन पर बता दिया है, बट मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं आप लोग को कुछ जानकारी दे दूँ। तो रसलमेनिया वीकेंड का जो भी हमें यहाँ पर ऑल ओवर टिकट सेल्स देखने को मिला, यानी कि रसलमेनिया वीकेंड का ही इन्होंने सिर्फ और सिर्फ काउंट किया है कि कितना हुआ है, तो रसलमेनिया वीकेंड का 2 लाख समझ रहे हो, 2 लाख इन्होंने टिकट्स बेच दिए थे और 2,01,924 टिकट ऑल ओवर सेल हुए थे। तो ये कुछ इन्होंने स्टैट्स बताया था, और ऑलरेडी यही स्टैट्स है भी, इतना ही ज़्यादा टिकट यहाँ पर इन्होंने बेचा था, मतलब कोई भी उससे कम नहीं और ना ही उससे ज़्यादा, ये टोटल बराबर इन्होंने नंबर बताया है, कोई घपलेबाजी नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, तुम समझ रहे हो 2 लाख इन्होंने टिकट बेच दिए,
वो तो रसल मेनिया ही 1 लाख के ऊपर चला गया था, 1,45,000 ऐसा कुछ। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी डील है, WWE ऐसा कुछ कर रही है जो कि बहुत बड़ी बात है। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि WWE के सेथ फ्रैकिंग रॉलिंस को लेकर। अब सेथ रॉलिंस के साथ में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, और ये प्रॉब्लम में भी बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं मतलब मुझे लगता है कि इंजरी तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर सेथ रॉलिंस को लेकर अपडेट्स ये देखने को मिली है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर डेव मेल्टजर की तरफ से। उनका ये कहना है कि सेथ रॉलिंस 4 हफ्तों का यानी कि 4 वीक्स का वो टाइम ऑफ लेते हुए दिखाई देने वाले हैं, यानी कि यकीन मान के चलो 1 महीने का यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस का ब्रेक देखने को मिलने वाला है, यानी कि 4 हफ्ते के लिए हमें WWE के अंदर सेथ रॉलिंस नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि डायरेक्टली ड्राफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो यस सेथ रॉलिंस हमें डायरेक्टली ड्राफ्ट में देखने को मिलेंगे, अभी इनका टाइम ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सेथ रॉलिंस को लेकर अपडेट्स है। तो मुझे लगता है कि कुछ वीकेंड हॉलीडे बनाने के लिए यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने डिमांड किया होगा, तो ये इनको थोड़ा छुट्टी मिल चुका है, ठीक है। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि भाई साहब मतलब जॉन सीना को लेकर कि क्या कुछ प्लान्स है भाई जॉन सीना को लेकर आने वाले समय में। तो पैट मैकाफी का शो देखने को मिलता है, उस शो के अंदर जॉन सीना देखने को मिलते हैं। जॉन सीना उस इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं, अगर आप लोग को समझ में आता है ना तो थोड़ा बहुत इंग्लिश, तो जाके देखो यार मज़ा आएगा यार। मतलब बहुत सारी चीज़ें कहते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर वो कहते हुए दिखाई देते कि भाई स्पैनिश जो टेबल था अनाउंसर टेबल मैं देखा भाई पूरा रसलमेनिया में, तो जॉन सीना कहते हैं कि मैंने देखा रसलमेनिया में सब टेबल टूट गया, ये स्पैनिश वाला बचा है, तो वहाँ पर मैंने सोलो सिकॉक ले जाके तोड़ दिया। भाई मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंडली तरीके से वहाँ पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर जॉन सीना यहाँ पर अपने शेड्यूल को लेकर डिस्कस करते हैं, जहाँ पर जॉन सीना का ये कहना था कि जॉन सीना करेंटली क्रिसमस 2024 तक वो लॉक्ड है, उनके पास बहुत मतलब शेड्यूल बिजी है क्रिसमस तक, अगर थोड़ा बहुत 1-2 टाइम मिलेगा तो वो WWE के अंदर ज़रूर आएंगे, बट वहाँ तक वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर मतलब क्रिसमस के बाद वो छुट्टी लेना चाहेंगे WWE को लिए, वो हॉलीवुड को जो है ना बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि उनको WWE के अंदर अपना एक लास्ट प्रॉपर रन देना है, ऐसा कुछ यहाँ पर जॉन सीना कहते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि एक परफेक्ट रन के लिए जॉन सीना अगेन रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, और वो इस साल के एंड तक हमें देखने को मिल जाएगा। सो होप कि हमें यहाँ पर वो जो रिटर्न देखने को मिले उसमें यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल भी जीते तो मज़ा आ जाए। आई होप जॉन सीना हमें वर्ल्ड टाइटल जीते हुए दिखाई दे जाए, रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई जाए बस। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि भाई द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस भाई इनका एक इमोशनल वीडियो देखने को मिलता है, इमोशनल वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर दूंगा, दिखा दूंगा आप लोग को। तो रोमन रेंस का ये इमोशनल वीडियो आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर हमें मतलब कल पॉल हेमन ही सिर्फ हमें यहाँ पर दूर से वीडियो देखने को मिली थी, जहाँ पर वो गले मिलते हुए दिखाई दिए थे, बट यहाँ पर ये नज़दीक वीडियो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी इमोशनल है रोमन रेंस। ऑब्वियसली पॉल हेमन के गले लगते हुए दिखाई देते हैं और WWE यूनिवर्स को गुड बाय कहते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल के टाइम पे आएंगे भाई, इतना नहीं रो आएंगे, बट फिलहाल के टाइम पे रोमन रेंस यहाँ पर गुड बाय कहते हुए दिखाई देते हैं सभी को, और ये कुछ वीडियो देखने को मिलती है। एंड इवन यहाँ पर हमें रोमन रेंस को लेकर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कि भाई रोमन रेंस जो टाइटल लूज किए 7 अप्रैल को, उस दिन उनके ब्रदर रोजी का बर्थडे था, जो कि ब्रदर उनके दुनिया में नहीं है, उनका बर्थडे था उस दिन, वो अपनी टाइटल आ रहे। तो ये कुछ अपडेट्स है, बाकी आप लोग का क्या है ओपिनियन इन सारी अपडेट्स के ऊपर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, व्हाट्सएप चैनल ट्विटर इंस्टाग्राम सब पे फॉलो कर लिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।